हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड एस की PT 365, जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो पार्ट 7 है ये। इससे पहले काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग वो सारे पार्ट्स देख लिए होंगे, क्योंकि ये आज इन्वायरमेंट की लास्ट पार्ट होने वाली है। इन्वायरमेंट की आप लोग PDF देखोगे वीज़ एंड एस की, तो उसमें लास्ट में आपकी ज्योग्राफी की कुछ पोर्शन है, तो वो मैं अलग से कराने वाली हूँ, इन द सेंस कि वो आपकी ज्योग्राफी की टॉपिक में चले जाएगी। तो इन्वायरमेंट आज PT 367 की कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन्वायरमेंट आपकी ज्योग्राफी की एक दो लेसन आएगी, उसमें मैं जो इन ज्योग्राफी के टॉपिक से वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर आज मैं बता देती हूँ, लेकिन आज कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। एक ही बार जब आपकी नेक्स्ट ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन पूछी थी। फर्स्ट है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज़ कि कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हो। एंड थर्ड कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 ये कोड आपका किसके द्वारा दिया गया है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। तो आइए तीनों का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे BEE है, मीन्स कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इस तरीके के इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है इनके द्वारा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो ये एक तरीके का आपका एक प्रोसेस है, जिसमें कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ का काम किया जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस है कि कोल को हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग सिन गैस भी कहते हैं। सिन गैस में आपको कौन कौन से गैस की मिक्सचर देखने को मिलेगी, तो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग सिन गैस कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट कोल इंटू सिंथेसिस गैस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। इट मीन्स कि कोल को हम लोग यहाँ पे क्लीन कोल हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 की बात करें तो ये कोड आपका BEE के द्वारा ही दिया गया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। अब आइए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की टॉपिक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में चलने से पहले एक साल में जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स की टॉपिक है, उसको हम लोग यहाँ पे समराइज़ करके देखने वाले हैं। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साइकिल पहले देखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग समझ रहे हो कि किसी भी तरीके का आपदा आता है, चाहे वो हम लोग हर एक फेज़ में देखते हैं, चाहे वो आपका सुनामी आ जाए, चाहे आपका जो है साइक्लोन आ जाए, चाहे फ्लड हो, चाहे आपकी सूखा हो, ड्रॉट हो, ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड हो, किसी भी तरीके का ये जो आपका आपदा आता है, इसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर इंग्लिश में। और इसी को मैनेज करने के लिए आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इनफोर्स लाया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई यहाँ पर डिजास्टर आती है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि रिस्पॉन्ड किया जाता है, यानी कि डिजास्टर को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जैसे डिजास्टर आती है तो आप लोग को पता है कि अगर फ्लड आएगी तो पूरी तरीके से पानी भर जाएगा सब जगह, सारे लोग स्टक हो जाएंगे, जितने भी गरीब लोग हैं वो ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, और जिनके घर है वो तो घर पे ही स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो उनको रिहैबिलिटेट करना है या फिर रिकवरी करनी है। जहाँ पे भी आपकी जो लोग स्टक हो गए हैं, उनको उस जगह से निकाल के सेफ जगह पहुँचाना है। जो लोग भी यहाँ पर बाढ़ में स्टक हो गए, उनको जो बेसिक चीज़ें उनको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उन तक प्रोवाइड करनी है। साथ ही यहाँ पर प्रिवेंशन और मिटिगेशन का प्रोसेस लेकर आना है, यानी कि जो भी लोग हैं उनको प्रिवेंट करना है किसी भी तरीके से, बस उनको प्रिवेंट करना है, फिर गेट करना है और प्रिपेयर करना है, यानी कि धीरे धीरे प्रिपेयर करके जो है सारे लोगों को एक नॉर्मल लाइफ में लाकर रखना है। तो ये पूरा एक साइकिल चलते जाता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। ओके, तो आइए इसी के बेसिस पे हम लोग जो पहली टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको हम लोग GAR भी कहते हैं। सो रिसेंटली ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जो है आपका ये लॉन्च किया गया। GAR की अगर बात करें तो ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बायनली ये पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस के द्वारा, UNDRR, और ये आपका प्रोडक्ट है कॉन्ट्रीब्यूशंस का, जिसमें कि नेशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, पब्लिक या प्राइवेट यहाँ पर डिजास्टर रिस्क रिलेटेड कोई साइंस एंड रिसर्च है तो उसमें इसको कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि इस तरीके की रिपोर्ट आपका किसके द्वारा यहाँ पर आपका लॉन्च किया जाता है। सो रिमेंबर इट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 1999 में, ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, देन योर आंसर विल बी येस। ये एक आपका फोकस पॉइंट जैसा काम करते हैं, यानी कि जो डिजास्टर रिडक्शन है, किसी भी तरीके का आपका आपदा आ रहा है तो उसको कैसे कम करना है उसी को कोऑर्डिनेट किया जाता है। और एक सिनर्जीज भी यहाँ पे आपका इंश्योर किया जाता है डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज़ में, जो भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम का है और रीजनल
ऑर्गेनाइजेशन का है। ये सपोर्ट करती है जितने भी हमारे यहाँ के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, या फिर सेंटाई फ्रेमवर्क जो है रिस्क रिडक्शन के बारे में यहाँ पर बात किया गया था उसको रिव्यू किया जाता है। UNDRR की बात करें तो 99.2% जो फंडेड है ना वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि डाइवर्स सेट ऑफ डोनर है, यानी कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो इसके मेंबर नेशंस भी हो सकते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन भी हो सकते हैं, या फिर जिसको भी लगता है कोई भी डोनर यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके पब्लिक पर्सन भी हो सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पे डाइवर्स सेट ऑफ डोनर्स यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फाइंडिंग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आपका निकल कर क्या आया है। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें आपको 40% तक ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस हो रही है एशिया पैसिफिक वाली रीजन में, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंपैक्ट जो है ना वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज को देखने को मिलता है जिसमें कि आपकी चाइना है, जापान है, कोरिया है, इंडिया है। तो हम लोग भी कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, तो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में लैंड कर रहे हैं। तो इस रीजन में जो है 40% ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस होती है। तो डिजास्टर आने से आप लोगों को पता है कि जहाँ पे जान माल की क्षति होती है वहीं पे इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर पे होता है। तो ये जो इकोनॉमिक लॉसेज है ना ये 4% ऑफ GDP की एनुअली देखने को मिलता है अगर कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। अब इसी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस की 2020 की। ये कॉन्फ्रेंस आपका ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मेनली यहाँ पे फोकस करती है कि ह्यूमन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोस्टल डिजास्टर जो रिस्क है उसके टर्म्स में यहाँ पे आपको समझना होगा, साथ ही कोलैबोरेटिव एक्शन लेकर आना होगा। जब ये प्राइम मिनिस्टर की 10-पॉइंट एजेंडा और साथ ही साथ सेंटाई फ्रेमवर्क जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का है उसको इम्प्लीमेंट करके तो इस कॉन्फ्रेंस में इसी के बारे में बात किया जाता है। नेशनल यहाँ पे अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये किसके अंदर काम होती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है और ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया था। यहाँ पे ये भी इंटरेस्ट किया जाता है, नोडल नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, ट्रेनिंग का, रिसर्च का, डॉक्यूमेंटेशन का, पॉलिसी एडवोकेसी का, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक और आपका न्यूज़ है जो कि है सासाकावा अवार्ड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सासाकावा अवार्ड ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की है, 6th सेशन जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का हुआ था जेनेवा में, तो वहाँ पे ये आपका सासाकावा अवार्ड दिया गया था, वो भी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। यूनाइटेड नेशन की जो ये सासाकावा अवार्ड है ये मोस्ट प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें GPDRR की, तो ये बायनियल मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है उसको रिव्यू किया जाता है, नॉलेज को शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, अगर किसी भी तरीके का लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है जिसके थ्रू डिजास्टर रिस्क को कम कर सके, तो ये सारी चीज़ का यहाँ पे आपका जो है बात किया जाता है। ओके, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटाई फ्रेमवर्क, अगर अभी मैं बात करी थी कि सेंटाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका टारगेट है 2015 से आपका 30 तक, 15 साल का टारगेट है, जिसमें कि डिजास्टर को किस तरीके से हम लोग को कम करना है उसी के बारे में बात किया जाता है। ये जो आपका इंडोर्स किया जाता है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, और ये भी आपका जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में तभी इसका स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ स्टेट को जिसमें कि एक अच्छा खासा रोल होना चाहिए कि वो अपने यहाँ पे कैसे डिजास्टर को कम करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपका शेयर करना चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, जैसे कि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, दूसरे स्टेक होल्डर्स है, तो उनके साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके हम लोग इतने बड़े पैमाने पर डिजास्टर को कम कर सकते हैं। तो डिजास्टर को कम करने के लिए जो है आपको पता है ये एक नेचुरल फेनोमेना है, डिजास्टर को तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उससे होने वाले नुकसान को हम लोग ज़रूर बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये आपको सक्सेसर देखने को मिलेगा होइगो फ्रेमवर्क जो एक्शन है 2005 से 15, उसके बाद यहाँ पे 15-30 आपका सेंडाई फ्रेमवर्क आया था। यहाँ पे क्या है कि रेजिलियंस ऑफ नेशंस को बिल्ड करना है, कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना है डिजास्टर्स के लिए, यानी कि ऐसी हम लोग को अपनी नेशंस बिल्ड करनी है, कम्युनिटीज़ बिल्ड करनी है कि अगर कोई भी डिजास्टर्स आती है ना तो उससे ह्यूज लॉस नहीं होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो लैंडस्लाइड होता क्या है? लैंडस्लाइड मतलब होता है कि आप लोग इस तरीके के फिगर में देखिए, ये आपकी यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे आप पत्थर बोल रहे पहाड़ है, इसमें आप लोग देख लो कि इस तरीके का रोड है, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, यानी कि ऊपर से नीचे आपका जो है खिसक के ज़मीन आ गई, आपके पहाड़ आ गए, उसके साथ साथ कुछ बालू आ गए, आपकी मिट्टी आ गए, रॉक आ गए, कुछ सबस्टांस आ गए, तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि ये भी एक लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। जस्ट इमेजिन कि आप लोग इस रोड में जा रहे हो और अचानक से ये लैंडस्लाइड हो गए, तो आपकी तो यहाँ पे जान खत्म हो गई है कि नहीं। तो इसी में आप लोग समझ सकते हो कि कितने लोगों की यहाँ पे जान माल की क्षति होती है। तो यही चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि NDMA जो है हमारे यहाँ की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पर रिलीज़ करी है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर लैंडस्लाइड के बारे में बताया जा रहा है कि मूवमेंट है, यानी कि बहुत बड़े मास ऑफ रॉक्स है, डेब्रिस है, कचरा है, वो भी यहाँ पे आपके स्लोप से होते हुए जो है ये आपका मूव करता है। लैंडस्लाइड जो है ना आपका एक मास वेस्टिंग टाइप का भी है, जो कि कोई भी तरीके का डाउन स्लोप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सॉइल की हो चाहे वो रॉक की हो। तो ये कैसे होता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा क्यों होता है कि ये जो आपका स्लोप है इससे सब कुछ जो है नीचे आ जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, आप लोग बॉल भी ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आता है, तो हम लोग तो ये बेसिक साइंस में पढ़ चुके हैं कि ये ग्रेविटी के कारण जो है सारी चीज़ें नीचे आती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो यहाँ पे लैंडस्लाइड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया इसके द्वारा बनाया गया है। लैंडस्लाइड जोनिंग जो है इसके इसमें आपका क्या है कि डिवीज़न किया गया है, जो हील है पत्थर जो आपका माउंटेन वाला जो रीजन है उसको होमोजीनियस स्पेशल एरिया में इसको आपका डिवाइड किया गया है। उनके एक्चुअल डिग्री मीन्स जो डिग्री ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल लैंडस्लाइड है, यानी कि आप लोग देखते हो कि किसी किसी एरिया में लैंडस्लाइड बहुत ही बराबर आती है और किसी किसी एरिया में आपके एक डिकेड में एक बार आती है या फिर दो डिकेड में एक बार आती है या फिर एक साल में एक बार आती है, तो इस तरीके का भी आपका कैटेगराइज़ किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा। एज़ पर अगर हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखें तो 0.42 जो मिलियन किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 0.242 मिलियन किलोमीटर है, ये नियरली 12.6% लैंड एरिया का होगा हमारे कंट्री में, जिसमें कि इस तरीके का लैंडस्लाइड हैजार्ड है। एज़ पर अगर हम लोग ग्लोबल डेटाबेस देखें लैंडस्लाइड में तो वर्ल्ड की टॉप टू लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट इंडिया में कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो सदर्न एज आपको देखने को मिलेगा हिमालय का, और कोस्ट है जो कि साउथ वेस्ट जो इंडिया है ना, जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है वो वाली एरिया है, यानी कि आप लोग उत्तराखंड में भी देखते हो बहुत ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड होती है, तो वो क्या है कि वो आपके हिमालय के फुटहिल्स में है, तो इसलिए उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न घाट है हमारी, इस तरीके से आप लोग देखो कि ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी जो है ना यहाँ पे आपका लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है, और ये दो हॉट स्पॉट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हाईलाइट क्या है स्ट्रैटेजी का, सबसे पहला है कि लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन है, यानी कि रिकमेंड किया गया है लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैप, जिसमें कि आपका मैक्रो स्केल से लेकर मेजो लेवल तक भी इसको आपका रखा गया है, यानी कि इस मैप में आपका रखा गया है, बनाया गया होगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके का आपका इस लैंडस्लाइड की हैजार्ड है। साथ ही यहाँ पर मेनली फोकस किया गया है एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट टूल्स, जैसे कि अनमैंड एरियल व्हीकल्स हैं और टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर है, वेरी हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे आपका मैपिंग बनाया गया है। लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, यानी कि टेक्निकल आपका रिकमेंडेशन है कि किस तरीके से हम लोग रेनफॉल जो थ्रेसहोल्ड है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस, ऑटोमेटिक रेन गॉज है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर लैंडस्लाइड आने वाली होगी ना तो उससे एक दिन या दो दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा, तो इस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हम लोग साइक्लोन के लिए भी लगाते हैं, वो भी आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो पहले ही पता चल जाता है वहाँ के लोगों को कि इस तरीके का डिजास्टर आने वाला है, तो पहले ही पता चल जाएगा, तो आपके पास एनफ टाइम होता है कि आप अपने आप को सेव कर सको अगर आप लोग उस डेंजर जोन में आते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही बेटर ये टेक्निक है। अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग यही नहीं समझते कि इस तरीके का जो है डिजास्टर से क्या प्रॉब्लम है, जब उनके ऊपर ये आपदा आती है तभी वो समझ पाते हैं, तो उनको अवेयर करना है कि इस तरीके के प्रोसेस से कैसे वो बच सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के सेक्शन है जो कि इस अवेयरनेस ड्राइव में इन्वॉल्व है, जैसे कि ये कम्युनिटी जो है हमारे फर्स्ट है जो कि इस तरीके का डिजास्टर को वो देखते हैं, बिना किसी मदद के वो रिच होते हैं। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि अगर इस तरीके का कोई भी डिजास्टर आता है तो उनको खड़े रहना है, साथ ही किस तरीके से वो इस सारे चीज़ों को मैनेज करे और अगर डिजास्टर के पहले और डिजास्टर के बाद किस तरीके से उनको टैकल करना करके चलना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं नेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान।
प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव्स। तो हीट वेव्स का क्या ही कहना, अभी आप लोग भी बहुत सारे एरिया में आप लोग इस तरीके से परेशान होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हीट वेव्स जब भी हम लोग गर्मी आती है तो इस तरीके का टॉपिक को डील करना तो बनता ही है। रिसेंटली NDMA अगेन आ गई, ये रिलीज़ करी है एक नेशनल गाइडलाइन कि किस तरीके से हम लोग को एक प्रिपरेशन लेकर चलना है और हीट वेव से कैसे प्रिवेंट होना है और मैनेज करना है। हीट वेव होता क्या है, अगर हम लोग अपने यहाँ के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें तो हीट वेव को कंसीडर किया जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई भी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आपका एटलीस्ट 40 डिग्री है और मोर फॉर प्लेन 37 डिग्री है और मोर फॉर कोस्टल स्टेशन 40 डिग्री या फिर इससे ज़्यादा है कोई प्लेन का, 37 डिग्री या फिर इससे ज़्यादा है कोई कोस्टल स्टेट का, या फिर आपका एटलीस्ट 30 डिग्री या फिर इससे ज़्यादा है कोई हिली रीजन का, तो हम लोग इसको कहेंगे कि हीट वेव्स अब चल रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि हीट वेव्स है, यानी कि एबनॉर्मल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है अगर 2 दिन तक आपका रहा तो। हीट वेव्स जो है ना आपका कंट्री में कहीं भी हो सकता है और इससे हीट इलनेस भी होती है, यानी कि आप लोग देखते हो कि लू वगैरह भी लगता है आपको, सन स्ट्रोक भी हो जाता है, इवन लोगों की जान भी चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए जो है इस तरीके के हीट वेव्स चले तो आप लोग ज़्यादा जो है बाहर मत निकलिएगा। फॉलोइंग कुछ क्राइटेरिया है जिसको यूज़ किया गया है जिसके थ्रू ये डिक्लेयर किया जाएगा कि हीट वेव है कि नहीं। अगर हम लोग देखें कि डिपार्चर वो भी नॉर्मल से, तो हीट वेव का अगर आप लोग देखोगे कि नॉर्मल टू डिपार्चर कितना है तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक है। सेवियर हीट वेव्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे आपका अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर लेकर चलिए 40 डिग्री से अगर यहाँ पे 6 डिग्री और बढ़ गया यानी कि 46 डिग्री हो गया तो ये सेवियर हीट वेव्स हैं। हीट वेव क्या है कि एक्चुअली मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, सेवियर हीट वेव्स हैं यानी कि एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 47 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया। तो हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए ये अबव क्राइटेरिया है जो कि एटलीस्ट 2 स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा और सब डिवीजन है वो भी एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डे यानी कि लगातार 2 दिन तक देखने को मिलेगा, तो इसको सेकेंड डे डिक्लेयर किया जाता है कि ये हीट वेव है। हीट वेव की बात करें तो टिपिकली ये मार्च से जून के बीच में ही आपको ये फील करने के लिए मिलेगा और ये जुलाई तक भी एक्सटेंड होता है। अगर मॉनसून डिले हो गई तो फिर ये कुछ एरिया में जुलाई तक भी इसको फील किया जा सकता है। साथ ही आप लोग देखोगे कि 32 हीट वेव्स अफेक्ट करी है 23 स्टेट्स को, वो भी 2019 में, और सेकेंड लॉन्गेस्ट बताया जा रहा है कि ये हाई टेम्परेचर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है जो कि हर साल फेस करती है ये एक्सट्रीम हीट कंडीशंस को और यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ ड्राई वेदर यहाँ पे आपका फेस किया जाता है। तो हीट वेव के कारण आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है बस इसी के कारण आपको स्कार्सिटी ऑफ वाटर देखने को मिलता है क्योंकि हीट वेव्स के कारण जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है सूख जाती है। साथ ही यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून अगर डिले हो, देर हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हीट वेव कंडीशंस जो है ना ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कंट्री में चले जाती है, बढ़ती जाता है। क्लाइमेट चेंज जो है आज के डेट में एक टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ पे हीट वेव्स की सीवियरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साथ ही अनप्लान्ड जो अर्बन ग्रोथ हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लैंड के यूज़ में चेंजेस आ रही है, लैंड कवर बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन जो है आपका डेंस होते जा रहा है, अर्बन स्प्रॉल आपका बढ़ते जा रहा है, यूनिक चैलेंजेस यहाँ पे है जिससे कि आप लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आप देखोगे सिटीज़ में और इससे जो है आपका इंपैक्ट देखने को मिलेगा हीट वेव से। हीट वेव्स जो है ना आपका डिजास्टर की जैसा इसको नोटिफाई नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की तरह इसे देखें तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसको हम लोग डिजास्टर जैसा काउंट करते हैं, तो अभी भी डिजास्टर जैसा इसको काउंट नहीं किया जाता है। हीट वेव जो है ना इवन नॉट नोटिफाइड इन द 12 डिजास्टर जो कि एलिजिबल है रिलीफ के लिए, यानी कि इसमें भी अभी तक हमारे कंट्री में इसको काउंट नहीं किया गया है कि 12 तरीके के और भी डिजास्टर्स हैं जिसमें कि अगर आप लोग को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो रिलीफ दिया जाता है नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा, तो इसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इस गाइडलाइन की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। सबसे पहली बात बताई जा रही है कि गवर्नमेंट की इंगेजमेंट यानी कि मैंडेटरी किया गया है, यहाँ पे आपका मैंडेटिंग पार्टिसिपेशन है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर्स का, म्यूनिसिपल हेल्थ एजेंसीज़ का, डिजास्टर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का और लोकल पार्टनर्स का। स्टेट नोडल एजेंसीज़ को अपॉइंट करना है ऑफिसर्स को कि वो यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज को कंडक्ट करें और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो हीट सीज़न आने वाला है उससे पहले और उसके बाद जो है इंश्योर कर सके। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और इस्टेब्लिश करना है हीट हेल्थ थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, यानी कि अगर इस तरीके के हीट वेव से आने से कितने ज़्यादा लोग जो है परेशान हो गए, कितना ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन आ गया उसको एक्सेस करना है और उसी के साथ साथ हीट हेल्थ थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी यहाँ पर आपका इस्टेब्लिश करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है और यहाँ पर हीट एक्शन प्लान को डेवलप भी करना है। स्टेट नोडल ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं लोकल ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिस के साथ, और जब से वो यहाँ पे समर सीज़न रिसीव कर रहे हैं तब से वो इसको जो है रिसीव कर यहाँ पे उनको ये पता चल सकता है इंडियन
डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि कब से वो जो है लोकल यहाँ पे समर सीज़न फॉरकास्ट रिसीव कर रहे हैं, और अर्ली वार्निंग यहाँ पे सिस्टम भी उनको दिया जाएगा, डेली अलर्ट सिस्टम भी देना चाहिए, वो भी कलर कोड के साथ। तो अभी आप लोग को पता है कि कलर कोड आपका लाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जिसमें कि वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो कलर कोड के द्वारा जो है वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके का वहाँ पर लोगों को जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, तो लोगों को बताना है कि हीट वेव के टाइम में क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ उनको सोशल मीडिया का हेल्प से भी उनको बताना है, इवेल्युएट करना है और प्लान को अपडेट करना है हर एक हीट सीज़न के बाद। अगर सिटी और स्टेट को उनको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं तो उनको अपने प्लान में इसको अपडेट भी करना है। स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि कैसे वो एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर को कम करेंगे और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो आपका लॉन्ग टर्म तक है उसको कैसे अडेप्ट करेंगे। तो स्टेट को यहाँ पे कुछ कंसीडर करना चाहिए, यानी कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, जैसे कि यहाँ पे आपका ग्रीन कवर हो रहा है सिटी में तो उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। साथ ही यहाँ पे जो आपका UHI इफेक्ट है उसको भी यहाँ पे कम करना है, और कूल रूफ जो है ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि लोगों के घर के छत ऐसे होने चाहिए कि ठंडे वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। सो व्हाट इज़ दिस? वन ऑफ़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नीदरलैंड गवर्नमेंट का, जो कि है रूम ऑफ द रिवर। ये आपका सेम देखने को मिलेगा कि इसी को रेप्लिकेट किया गया है केरल के कुटानन में, जो कि अभी सबमर्ज किया गया है वो भी कुछ वीक्स में, और जब यहाँ पे केरल फ्लड आया था तो यहाँ पे केरल की जो कुटानन है वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो गई है। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। ये एक फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव है जिसका एम है कि कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे रूटीन फ्लडिंग के से, यहाँ पे जो रिवर है उसको एडजॉइन करके, और जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करना है डेल्टा रीजन में। तो ये एक तरीके का फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। की कंसेप्ट क्या है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या यहाँ पे मुद्दा है? तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कुछ स्पेस, वो भी वाटर बॉडी के लिए, जिससे कि वो यहाँ पे मैनेज कर सके, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वाटर लेवल है ना फ्लड के टाइम में, क्या होता है कि किसी वाटर बॉडीज़ में और ज़्यादा पानी भर जाते, तो हाई लेवल बॉडी है तो कुछ स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ सोल्यूशन रखा गया है हर एक रिवर के लिए। सबसे पहला है कि इंपॉर्टेंट मेजर्स रखना है इस प्रोजेक्ट का क्या क्या है, तो फ्लड प्लेन को यहाँ पर कम करना है, जो यहाँ पर डाइक्स का रीलोकेशन करना है और स्ट्रेंथन करना है, जो हाइट है यहाँ पे आपका ग्रोइंस का, यानी कि एक रिजिड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि या तो आपका एक रिवर के चारों ओर यहाँ पे आपका बनाया जाता है, चारों ओर नहीं दो साइड ज़रूर बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ये आपका ग्रोइंस होता है, ये रिवर की यहाँ पे आप लोग फ्लो देखने को मिलेगा, तो दोनों साइड थोड़े से चौड़े टाइप का यहाँ पे बनाया जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रोइंस कहते हैं, यानी कि रिवर को यहाँ पे सही तरीके से वो फ्लो होते रहे, इधर उधर ना भागे इसके लिए। साथ ही जो साइड चैनल का जो डेप्थ है उसको भी बढ़ाना है, और इससे क्या होगा कि हमारी जो सराउंडिंग्स है रिवर बैंक का वो इम्प्रूव हो पाएगा फाउंटेन्स और यहाँ पे जो पैनोरामिक डेक्स है उसके द्वारा, और लैंडस्केप्स भी यहाँ पे अल्टर किया जाएगा इस तरीके से कि नेचुरल स्पॉन्जेस को यहाँ पे हम लोग टर्न कर सके और यहाँ पे एक्सेस वाटर जो यहाँ पे फ्लडिंग के टाइम में होता है उसको एकोमोडेट कर सके। तो इस तरीके से और भी चीज़ें करनी है। कुटानंड आप देखोगे बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है, तो कुटानंड एक डेल्टा रीजन था जो कि यहाँ पे सी लेवल से भी नीचे के रीजन में ये आपका सिचुएटेड था, वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलेगा केरल के, और इसको यहाँ पे स्टेट राइस बॉल भी कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि केरल का जो राइस बॉल है वो कौन से स्टेट को कहा जाता था, मीन्स सिटी को कहा जाता था। सो दिस इज़ कुटानंड। कुटानंद तो आप देखोगे कि सी लेवल फार्मिंग सिस्टम से भी नीचे है, ये एक यूनिक कल्टीवेशन सिस्टम था, और ये सिर्फ ओनली सिस्टम हमारे इंडिया में है जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए ये प्रैक्टिस करती है, और आज की ये आपकी प्रैक्टिस नहीं है, 150 साल पुरानी ये प्रैक्टिस है। ये जो सिस्टम है इसमें आपका वेल है जिसमें कि आपका कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम सर्विस का, यानी कि इसमें बहुत सारे लाइवलीहुड सर्विस भी है लोकल कम्युनिटीज़ के। ये आपका डिक्लेयर किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्यास, यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर भी ये इसको लाया गया है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्यास के बारे में ऑलरेडी जो है UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है। अदर टू ग्यास आप इंडिया में देखोगे कहाँ कहाँ है, तो एक तो उड़ीसा में है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और एक आपका कश्मीर में है जिसमें कि पैम्पोर सैफ्रॉन हेरिटेज है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी टॉपिक बन गई है। रेड एटलस मैप है और CF फ्लोज ऐप है, तो ये दोनों ऐप, एक मैप है एक ऐप है, ये है क्या? रेड एटलस एक्शन प्लान मैप है, ये पहली इस तरीके की मैप है जिसको प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा, तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा। इससे क्या होगा कि फ्लड मिटिगेशन जो चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा कि 2015 में बहुत ही भयंकर तरीके के फ्लड आ गए थे, बाढ़ आ गई थी, तो उसी को यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए इससे आपका निजात दिया जाएगा। इसमें क्या है कि कुछ सिनेरियो आपके होंगे डिफरेंट
डिफरेंट रेनफॉल पीरियड के साथ ही साथ हिस्टोरिकल डेटा सेट भी यहाँ पे रखा जाएगा, जिससे सारे इन्फॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल कॉरपोरेशन वार्ड को यहाँ पे पहुँचाई जाएगी। इसका एम है कि अगर यहाँ पे कोई भी फ्यूचर में अगर आपका फ्लड आती है तो उसको मिटिगेट किया जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर करना है, ऑपरेशन है और साथ ही साथ मैनेजमेंट आस्पेक्ट भी है। सी फ्लोज की बात करें तो यहीं पे है कोस्टल फ्लो फ्लड वार्निंग आपका सिस्टम ऐप है, इसमें आपका कंप्लीट वेब GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें कि आपकी यहाँ पे जो रीजनल वेदर फॉरकास्ट है वो किया जाएगा, कब कब स्टॉर्म आएगा ये बताया जाएगा, और इसमें 796 जो फ्लड सिनेरियो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ये आपका दोनों टाइम या आपका हेल्प करेगा कि अगर यहाँ पे आपकी जो है मिटिगेट करनी है कोई भी प्लानिंग जो कि ऑपरेशंस है फ्लडिंग के पहले, और रियल टाइम में भी जैसे कि आपका कोई रिलीफ वर्क भी करना है तो उस समय भी ये काम करेगा। तो ये याद रखना है CF फ्लोज कहाँ की है, तो चेन्नई की है। ओके सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। एनवायरनमेंट की टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई है, साथ ही एक लेसन आपकी, एक या दो लेसन आएगी ज्योग्राफी की, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। तो जल्दी ही मैं आपकी जो है PT 365 ज्योग्राफी की भी एक लेसन कंप्लीट करना है, और साइंस एंड टेक की भी दो तीन लेसन आएगी, उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके सो ये सारी PT 365 को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मेनली हम लोग फोकस करेंगे कल्चर और साथ ही साथ सोशल इश्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में आपको जो है गवर्नमेंट स्कीम्स की तो लेसन मिलती ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही लंबी है तो वो चलती ही रहेगी अभी। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा। और आपको मोस्टली जो है विजन आइज की मंथली मैगजीन और PT 365 जो पहले की थी वो सारे ही मैंने ओपन कर दी है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। साथ ही अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।